Hello everyone and a very warm welcome to Byju's exam prep and a very warm welcome to our session of इतिहास के रहस्य, जहाँ पे हम examinations के पहले आपके लिए ऐसे ही some important topics के छोटे छोटे tidbits लेके आते हैं ताकि फटाफट से एक short video में जल्दी जल्दी ये topic को revise कर लीजिए हमारे साथ. But before we start today's session, first and foremost, फटाफट से Byju's exam prep के UGC net channel को subscribe कर लीजिएगा for all latest updates regarding the paper 1 as well as paper 2 subjects, especially history. और ऐसे ही बहुत सारे हमारे अप टू डेट सेशंस के साथ, बहुत सारे हमारे ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टिडबिट्स के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए. तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप यूजीसी नेट हिस्ट्री शुभांगिनी एंड अश्विनी. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है. तो जो अभी भी हमारे इस फैमिली का पार्ट नहीं बने, फटाफट से फैमिली का हिस्सा बन जाइए. और ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम सारे हिस्ट्री लवर्स एक साथ कनेक्टेड हैं. सो इफ यू आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली, आप काफी ज्यादा फन और काफी एजुकेशनल सेशंस जो हैं ये मिस कर रहे हैं, तो फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द जातक टेल्स ऑफ बुद्धा. एग्जैक्टली क्या है ये टेल्स? कई बार जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने इस टेल्स के बारे में सुना है, पढ़ा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीवेयर इन हिस्ट्री वी आर रीडिंग अबाउट इट. तो चलिए फटाफट से आज के शॉर्ट वीडियो में जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जातक टेल्स टेक्निकली ये रिलेट करते हैं प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध के ह्यूमन एंड एनिमल बोथ फॉर्म में. कहा जाता है जो फ्यूचर बुद्धा है ये किसी भी तरह से अपियर कर सकते हैं. ही कैन अपियर एज अ किंग, अ गॉड, एलिफेंट, एंड जिस भी तरीके से ये अपियर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्च्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट गुण जो है ये सारे अपने इंपॉर्टेंट फॉर्म से प्रदर्शित करेंगे. और ये स्टोरीज ये बताते हैं कि कैसे बहुत अलग अलग परफेक्शंस, अलग अलग सिद्धियां, अलग अलग दैव्य गुण, इसका प्रैक्टिस करने से स्पेशली आप एनलाइटनमेंट जो है ये अचीव कर सकते हैं. एंड आप ये सारे साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ, डेथ से आपको यहां से मोक्ष जो है ये प्राप्त हो सकता है. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो जातक स्टोरीज से आपको याद रखने. सबसे पहले ये जो जातक है ये 15 बुक जो है खुदा का निकाय के, इसके 15 बुक्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. एंड कहा जाता है कि भाई जो इनका कॉम्पोजिशन है ये 3rd century BCE से लेके 2nd century CE तक, ये आप इस टाइम पीरियड में इनका कॉम्पोजिशन फिट कर सकते हैं. एंड ये जो खुदा का निकाय है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ऑल्सो कंटेन करता है धम्मपद, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धम्मपद ये होता है जो वर्सेस होते हैं जो आपको एथिकल सेइंग्स के बारे में बताते हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये ऑल्सो कंटेन करता है थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, जो कि सॉन्ग्स होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नंस के. एंड ये थेरी गाथा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वुमेन का एक्सपीरियंस है, जो महिलाओं का त्याग का अनुभव है, ये इसका वर्णन करता है. एंड कहा जाता है ये बहुत ही, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू एंशियंट टेक्स्ट जो कि एक्चुअली कंपोज किया गया है या एट्रीब्यूट किया गया है वुमेन को और वुमेन के रिनंसिएशन एक्सपीरियंसेस को. अब फटाफट से हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जातक स्टोरीज. सो कुछ बहुत सारे जातक स्टोरीज हैं एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका आपको नेम्स याद रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हैं. हर इंपॉर्टेंट स्टोरी में कुछ ऐसे मॉरल्स हैं, कुछ ऐसे लाइफ के रहस्य हैं जो सिखाए जाते हैं. सो द फर्स्ट इज द एस इन द लायन स्किन, जिसको हम कहते हैं सीकमा जातक. कॉक एंड द कैट, जिसको हम कहते हैं कुकुता जातक. देन वी हैव फुलिश टिमिड रैबिट, जिसको आप जानते हो दादाभा राजातक के नाम से. देन वी हैव द जैकल द क्रो, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली जंबू खदका जातक है. तो आपको ये सब थोड़े नेम्स लर्न करने हैं फॉर एग्जामिनेशन. उसके अलावा सम ऑफ द अदर मेजर जातक स्टोरीज आर द लायन एंड वुड पेकर, जिनको हम कहते हैं जसकुंड जातक. ऑक्स हु एनवीड द पिक, जिसको हम कहते हैं मुनिका जातक. स्वान विद गोल्डन फेदर्स, जिसको हम कहते हैं स्वर्णहस जातक. Then we have King Shibi, जिसको हम कहते हैं शिबी जातक. And then we have Turtle who couldn't stop talking, जिसको हम कहते हैं कछपा जातक. तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जातक स्टोरीज हो गए जिसका आपको नाम याद रखना है. आफ्टर दीज स्टोरीज, ये जो जातक स्टोरीज है इसका हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स में भी आप देखोगे बहुत मेजर मेजर एविडेंस मिलता है. बहुत सारे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स में स्पेशली जातक स्टोरीज जो है ये डिपिक्ट होते हैं. एंड वन सच आर्किटेक्चरल फीचर आपको मिलेगा भरूच स्तूपा में, विच इज इन MP. यहाँ पे आप देखोगे महाकपि जातक जो है उसका पूरा का पूरा एक डिटेल रेफरेंस है इस राउंडल रिलीफ में. तो बेसिकली स्टोरी क्या है जो आपको एक्चुअली आपके स्क्रीन पे दिख रही है. तो कहा जाता है कि जो बुद्धा है, जो बोधिसत्वा है, ये बेसिकली एक मंकी, एक बंदर के फॉर्म में जन्म लेते हैं. एंड ये एक हिमालयन फॉरेस्ट है और इस हिमालयन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री रहता है एंड बहुत बड़ा बैनियन ट्री रहता है जिसमें आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे जो फल हैं वो फल उगते थे. तो ये जो बेसिकली सारे बंदर होते थे, सारे मंकीज होते थे, ये वहां का फल जो है हमेशा खाते थे और कोशिश करते थे कि कोई भी ऐसा फल ना हो जो एक्चुअली नीचे नदी पे गिर जाए. एक दिन क्या होता है, इसी बैनियन ट्री का एक जो फल होता है ये नीचे नदी पे गिर जाता है. तो जब ये नीचे नदी पे गिर जाता है तो एक मछुआरा इसे स्पॉट करता है, वो राजा के पास लेके जाता है कि ये तो बहुत अच्छा फल है, यूनिक सा फल है. तो राजा जो है अपनी पूरी प्रजा को लेके आते हैं
एंड जब ये इस बैनियन ट्री के सामने पहुंचते हैं तो राजा एक्चुअली देखते हैं कि यू नो ये पूरे बैनियन ट्री के जो फल है वो बंदर खा रहे थे। इमिजिएटली वो अपने सारे जो सोल्जर्स होते हैं जो उनको अकंपनी करते हैं, इमिजिएटली वो उन्हें कहते हैं कि भाई सारे बंदरों को इस पेड़ से हटाइए। तो जब ये इंसिडेंट होता है तो सारे बंदर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो बोधिसत्व है जो एज अ मंकी के तरीके से बॉर्न हुए, ये क्या करते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं बैनियन लीव्स और बैनियन बार्क से कि उस ब्रिज के ऊपर पास करके बहुत सारे मंकीज एस्केप कर जाएंगे। हाउएवर होता क्या है कि वो जो ब्रिज है ना वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो ये जो मंकी है जो आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है ये खुद को उस ब्रिज का पार्ट बना लेते हैं और सारे जो दूसरे बंदर होते हैं, दूसरे मंकीज होते हैं, वो इन्हीं के ऊपर चढ़ चढ़ के उस पूरे ब्रिज को जो आपको इधर फोटो पे दिख रहा है इस पूरे ब्रिज को पार करते हैं। तो जब राजा ये देखते हैं तो उनका काफी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो ये देखते हैं कि भाई ये जो बोधिसत्व है, ये जो मंकी है, ये कितना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं बाकी लोगों को एस्केप कराने के लिए। एंड फाइनली वो अपने ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं और वहां से उस बोधिसत्व को उतरने को कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी ये जो सीन है ये आपकी लिखी हुई है महाकपि जातक में और ये पूरी की पूरी यही सीन को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं। सेम यही सीन आपको एक और जगह मिलेगा विच इज स्तूपा नंबर 1, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, जो कि अगेन एमपी में, उसके जो तोरण है जो आप गेट पे देखोगे वहां के पिलर में सेम एग्जैक्टली यही स्टोरी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगेन देयर इज अ बैनियन ट्री, वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखोगे स्पेशली यहाँ पे हमारे जो बोधिसत्व है वो है, आपके राजा है और राजा की पूरी फौज नीचे है। तो ये पूरा पूरा डिपिक्शन आपको स्तूपा नंबर 1 ग्रेट स्तूपा पे भी दिखेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जातक स्टोरीज और इनका नरेशन मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि जातक स्टोरीज हमें हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में कैसे मदद करते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जातक स्टोरीज हमें हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने को मदद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या सोशल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। हर इंपॉर्टेंट जातक कथाएं आपको इन सारी चीजों के बारे में एक डिटेल रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं हम फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये जो जातक है ये इंडिकेट करते हैं, स्पेशली इसमें मेंशन्ड है कि जो सेवरल किंग्स है, काशी के बहुत सारे जो राजा है वो एक पॉलिटिकल पैरामाउंसी, एक टेक्निकली राजनीतिक सर्वोच्च जो है ये अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जातक स्टोरीज आपको ये भी बताते हैं कैसे काशी का जो किंगडम होता है और कौशल का जो किंगडम होता है इनके बीच में बहुत लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा होता है। ये भी आपको बताते हैं कि काशी कैसे अंग अन मगध के साथ हमेशा किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में, ये शक्तिशाली राज्य आपस में हमेशा किसी ना किसी तरीके से लड़ाई करते रहते थे। ये आपको ये भी बताते हैं कि एक टाइम पीरियड में जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पावरफुल सबसे इंपॉर्टेंट पोलिटिकल स्टेट था नॉर्थ इंडिया का काशी, इवेंचुअली वो कौशल किंगडम के साथ कोलैप्स कर जाता है, कौशल किंगडम के साथ इंटरवीन कर जाता है। सो ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन टिडबिट्स में आपको मोस्ट ऑफ द जातक स्टोरीज में दिए हुए हैं। तो जातक स्टोरीज एक लाइफ के मॉरल्स तो सिखाते हैं, उसके साथ आपको हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। लेटर बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं इस जातक कहानी से जो आपको स्पेशली ट्रेड के बारे में रेफरेंसेस देते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज हल्के फुल्के उस टाइम पीरियड में उत्पन्न हुए थे, किस किस विलेज में किस किस आर्टिसन ग्रुप्स जो होते हैं, कौन से कारीगर समूह होते हैं, उनका किस विलेज के साथ रिलेशनशिप है, कैसे कोई सारे आपके जो क्राफ्ट्स हो गए वो हेरिडिटरी चलते हैं, वो आप देखोगे कैसे वंशगुणित जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो पूरी पूरी फैमिली में चलते हैं, ये सब 600 टू 300 बीसी के टाइम पीरियड में चल रहा था। और इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक हिस्ट्री आप जातक स्टोरी से स्ट्रेट अवे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और ये काफी मेजर एविडेंसेस जो है ये प्ले करते हैं इन हिस्ट्री। सेकेंड, जातक स्टोरीज हमें इकोनॉमी कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अगर हम 200 बीसी और 300 का पीरियड जो देखें तो आप देखोगे इस टाइम पीरियड में हिस्ट्री में बहुत सारे जो गिल्ड्स होते हैं, गिल्ड्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनके बारे में स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ जातक स्टोरीज से मिलते हैं। जातक स्टोरीज आपको बताते हैं कि भाई 18 ऐसे गिल्ड्स हैं जिनको वो रेफर करते हैं, बट चार के स्पेसिफिकली नाम देते हैं, जिनका नाम है वुड वर्कर्स के गिल्ड, जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बधाकी, स्मिथ्स के गिल्ड जिसको हम कहते हैं कमारा, लेदर वर्कर्स के गिल्ड जिसको हम कहते हैं छमकार, एंड पेंटर्स के गिल्ड जिनको हम कहते हैं चित्रकार। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट गिल्ड्स नेम जो स्पेशली हमारे जातक कहानियां में मेंशनड है। ऑल्सो
मुक्पखा जातक जो है ये स्पेशली बताते हैं कि भाई 18 गिल्ड के जो हेड हुआ करते थे, 18 गिल्ड के जो प्रमुख हुआ करते थे, ये हमेशा राजा के साथ उनके दल में एक मेजर रोल प्ले करते थे और राजा के साथ ऑफिशियल उनके टूर पे जाया करते थे। एट द सेम टाइम जो सूची जातक है ये सिंपली आपको बताती कैसे एक लोहार, एक ब्लैक स्मिथ, एक गांव का ब्लैक स्मिथ एक राजा का बहुत ही फेवरेट जो है ये बन जाता है। सो दिस इज टेलिंग यू किस तरीके से जो गिल्ड्स हैं उनका जो पावर पोजिशन है, उनकी एक्टिविटीज जो है 200 BC से 300 CE में कैसे इंक्रीज करता है। देन वी हैव निग्रोध जातक। अब ये निग्रोध जातक स्पेशली आपको बताते हैं कि रॉयल ऑफिसर्स, जो रॉयल ऑफिसर्स होते थे जिनका बेसिकली आप देखोगे जिनका नाम था भंडागरिका, कैसे ये गिल्ड्स के ऊपर एक कंट्रोल मेंशन करते थे। तो एक और जातक स्टोरीज आपको गिल्ड्स का पावर पोजीशन, उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे, दूसरी ओर ये भी बता रहे कि भाई जो शाही ऑफिसर्स होते थे वो बेसिकली इन पे एक कंट्रोल बना के भी रखते थे। तो टेलिंग यू बोथ दी एंगल्स। एट द सेम टाइम उर्गत जातक में स्पेशली बोला गया कि जो हेड ऑफ द गिल्ड है He was appointed by her Mahamatra. तो ये आपको दोनों तरीके से जो आपको examination में most of the times questions आते हैं, it is indicating specifically to guilds. Also किस तरीके से king का उनपे control भी हुआ करता था at times. तो ऐसे बहुत सारे traces हैं जिसमें आप देखोगे कि जातक story specially आपको economy trace करने में मदद करते हैं. And lastly social. आप देखो कि बहुत सारे जातक स्टोरीज स्पेशली हमें लाइफ के कुछ मॉरल्स, कुछ रहस्य, कुछ किस्से, कुछ सीक्रेट्स जो हैं, कुछ वैल्यूज जो हैं ये सिखाते हैं। इसके अलावा आप देखो कि जातक जो है ये एक स्टोरी के अंदर ही स्टोरी है। हर इंपॉर्टेंट कहानी का चार पार्ट होता था। सबसे पहला पार्ट एक इंट्रोडक्शन स्टोरी होता था जो बुद्धा के टाइम पीरियड में सेट हुआ करता था। उसके बाद आती थी मेन स्टोरी। मेन स्टोरी एक पास्ट में सेट हुआ करता था जहां पे बुद्धा या तो विटनेस की तरह है या तो प्रोटैगनिस्ट की तरह है। थर्ड पार्ट में क्या होता था, जो भी स्टोरीज हैं उसका कंक्लूजन होता था। एंड फोर्थ एंड फाइनल पार्ट में मोस्ट ऑफ द जातक स्टोरीज में आप देखोगे जो हमारा फाइनल पार्ट है उसमें आप देखोगे पास्ट और प्रेजेंट को हम एक साथ कनेक्ट करके एनालिसिस करते थे। ये मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज में आपको मिलता है। जातक स्टोरीज रियली में आपको बता दें कि उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या इश्यूज थे, क्या कंसर्न था। और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में स्टोरी बताते थे, ये एनिमल्स की तरह भी सेम चीजें आपको लाइफ में सिखा देते थे। बहुत सारी जातक स्टोरीज में एनिमल्स ह्यूमंस की तरह दिखाया जाता था, कैसे जैसे ह्यूमंस एक अनइक्वल वर्ल्ड में रहते हैं एनिमल्स भी ऐसे अनइक्वल वर्ल्ड में रहते हैं। समटाइम्स आप देखोगे एक इंफीरियर एनिमल को उसकी इंफीरियोरिटी रियलाइज कराई जाती है। समटाइम्स आप देखोगे एक वीकर एनिमल जो है ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन वीकर एनिमल्स जो है ये बेसिकली बेटर होते जा रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज, कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ मोटिवेशंस जो ये स्टोरी आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसी कहानी है जातक स्टोरी में जहां पे कहा जाता है एक बोर की कहानी है। तो बोर को एक लायन चैलेंज करता है कि चलिए एक दिन रेस करते हैं। तो बोर को ऑलरेडी पता होता है कि कंपेयर टू लायन भाई मैं बहुत वीक हूं और मैं लायन के किसी भी मैच का नहीं हूं, तो मैं तो किसी भी तरीके से हार जाऊंगा। तो इस जातक स्टोरी में ये दिया हुआ है कि बोर जो एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है। ये कहता है कि क्यों ना जो आपके डंक होते हैं ठीक है उसमें 4 दिन 7 दिन अपने आप को उसी में रोल कर लो। एक दिन आप इतनी ज्यादा महकने लगोगे इस डंक में रोल करने की वजह से कि लायन खुद ब खुद लड़ने से रिफ्यूज कर देगा। एंड एग्जैक्टली यही होता है। लायन लड़ने जो स्मेल आती है आप जब एक बार काउ डंक के ऊपर रोल कर लोगे तो 7 डेज तक वो रोल करता है तो एंड में उसकी बॉडी इतनी स्टिंक करने लगती है कि रायन जो है ये कहता है कि भाई मैं नहीं लड़ सकता, चलो ठीक है मैंने हार मान ली। तो जातक स्टोरीज आपको ये भी बताते हैं कि भाई एक टाइम पीरियड में सोसाइटी में अगर सोशल डिफरेंसेस हैं तो ऐसा भी है कि वीक थोड़ा स्मार्ट बन सकते हैं, थोड़ा कनिंग बन सकते हैं कंपेयर टू दोस पीपल जो उनसे स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना। इवन दो यू नो यू आर वीक, अगर आप थोड़ा दिमाग यूज करेंगे और थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करेंगे यू कैन ऑलवेज विन द रेस। तो इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम जातक स्टोरीज फॉर एग्जाम्पल सीता केतु जातक स्पेशली आपको बताते हैं उस समय की सोसाइटीज में जो पॉल्यूशन के नोशंस थे, जो ऊंच नीच का भाव था, इसके बारे में टोटल टोटल डिस्क्रिप्शंस देते हैं। तो ये आपको एक सोशल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में भी काफी मदद करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। तो एक शॉर्ट सी हमारी सेशन थी जहां पे आप जातक स्टोरीज को स्पेशली एग्जाम के पहले फटाफट से रिवाइज कर ले। एंड प्लीज रिमेंबर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री सारी हिस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं एज वेल एज आपको लाइफ के मॉरल वैल्यूज और गुण जो है ये सिखाते हैं। तो इन स्टोरीज से इंस्पायर होना है और मोटिवेशन को अपने लाइफ में लेके आना है सो दैट वी ऑल स्टडी रियली रियली वेल एंड क्लियर द पेपर विद फ्लाइंग कलर्स। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एवरीवन। तो ऐसी कुछ टिडबिट्स के साथ, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ हम हर वीक आएंगे। बट फटाफट से इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आए और आप ये सेशंस मिस कर दें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मेनी मेनी इंटरेस्टिंग और भी कुछ यूनिक सी चीजें।